मैं यहाँ पर रखना चाहूँगी, कई लोग हैं बोलने के लिए यहाँ पर, जो मुझे ख़ास तौर से इस आंदोलन को अभी तक जितने आंदोलन चले हैं उसकी कड़ी में भी दिखाता है और उससे अलग भी करता है। यह पहला आंदोलन अपनी तरह का है मुझे लगता है आज़ाद भारत में, जिसने डेवलपमेंट का जो पूरा का पूरा न्यू लिबरल परसेप्शन बिल्डअप हुआ था उसी को अल्टीमेट बताने के लिए तमाम अर्थशास्त्रियों, तमाम समाजशास्त्रियों, पॉलिटिकल पावर जिसके आगे सरेंडर जिसने किया था, पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस का जो एक न्यू लिबरल चेहरा था, इसे जिस तरह से इस किसान आंदोलन ने एड्रेस किया है, चैलेंज किया है, सीधे सीधे दो कॉरपोरेट घरानों को चैलेंज किया, नाम लेकर बायकॉट का कॉल दिया, अंबानी अडानी सीधे सीधे निशाने पर आए, और वो सीधे निशाने पर आने मतलब सिर्फ अंबानी और अडानी ही नहीं, जिस तरह से पूरे के पूरे ग्रोथ का एक चैलेंज किया, और उसी के साथ बतौर पत्रकार ये बात हमें शाहीन बाग में भी दिखाई दी, लेकिन जिस तरह से दिल्ली को चारों तरफ से जो किसानों ने घेर रखा है, उन्होंने मीडिया को जिस तरह से चैलेंज किया, लोकतंत्र के जितने खंभे हैं उनके अंदर जिस तरह से गिरावट आई है, जिस तरह से वो गुलाम बनाए गए हैं, पालतू बनाए गए हैं, उसे इतने बेखौफ अंदाज से चैलेंज करने का साहस देश के इन किसानों ने किया, और इसलिए इनकी जो पूरी की पूरी लड़ाई है वह निश्चित तौर पे तीन कृषि कानूनों तक तो सीमित है ही, लेकिन यह जो बड़ी लड़ाई जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए चल रही है, मीडिया को बचाने के लिए चल रही है, जुडिशियल रिफॉर्म्स को लेकर चल रही है, पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर चल रही है, आप देखिए सारे के सारे पहलू इन किसान आंदोलन में बहुत बोल्डली, कोई छुपा हुआ हिसाब नहीं है। पहला आंदोलन मैंने देखा जहाँ मीडिया पर सीधे सीधे हमलावर होते हुए वे सस्टेन किए हैं, अभी तक कोई मीडिया कैंपेन बहुत बड़ा निगेटिव नहीं चल पाया तमाम कोशिशों के बावजूद, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। जहां पर बाय वन गेट वन फ्री का नारा लगा हुआ है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, मीडिया के लोग जो जाते हैं चैनल्स के लोग उनके बारे में उनसे क्वेश्चन करने का, तो ये जो रिक्लेमिंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का बतौर इंडियन सिटीजन इस्तेमाल किया है किसानों ने, ये इस आंदोलन को, इस पूरे मूवमेंट को बहुत ही एक्सक्लूसिव, बहुत ही यूनिक बनाता है। तो एक चीज़ तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अहम है, और ये जो आज डिस्कशन है मीट रखा गया है उसमें भी डेमोक्रेसी का जिक्र है, तो डेमोक्रेसी कैसे बचेगी इसका एक रास्ता किसान आंदोलन दिखा रहा है, बिना कॉरपोरेट लॉबी से टकराए हुए, जिस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बिना ओपनली डिफेम किए हुए, लेकिन कहा कि हम तो आपके पास गए नहीं, हम आपकी बात मानेंगे नहीं, आप पर हमें ट्रस्ट नहीं है, यह ओपनली बोलना इस तरह से, ये मुझे लगता है एक बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है। दूसरा, इसमें जो महिला किसानों की शिरकत है ये बहुत एक्सक्लूसिव नेचर है भारतीय किसान आंदोलन का। अब तक, अभी तक हमें जब भी किसान आंदोलन याद आते हैं सारे मर्द चेहरे याद आते हैं, सारे मर्दों के नाम याद आते हैं, कोई भी महिला किसान राष्ट्रीय स्तर पर महिला के नाम पर गांव होना, टीकरी में जो 5 गांव बनाए गए उसमें एक गुलाब बीबी के नाम पर गांव है, और इस तरह से तमाम लोग, जितने लोग वहां तक पहुंचे, जितने लोगों ने जानकारी हासिल की वहां पर, ये जो एसर्शन है और ख़ास तौर से 18 जनवरी को जो दिखाई दिया एसर्शन पूरे देश भर में, क्योंकि महिला को बतौर किसान हम और आप नहीं मानते रहे, ये सच्चाई है। महिलाओं के योगदान के बारे में हम आंकड़े जरूर पेश कर देते हैं कि 65% कंट्रीब्यूट करती हैं, इतने परसेंट लेबर में कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन जो एक बहुत लंबे समय से लड़ाई एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में, महिला के नाम खेती होने का, महिला के नाम जमीन होने का, महिला किसान बिलों पर महिलाओं से डिस्कशन होने का, वो जो एक बहुत बड़ा गैप था उस गैप को भी इस आंदोलन ने बहुत मजबूती से भरा है, और जिस तरह से महिलाएं डटी हुई हैं, और एक भी महिला, सवाल सिर्फ स्टेज पर बैठी महिला का नहीं है, भाषण देती हुई महिला का नहीं है,
आप किसी भी महिला से जो सामने बैठे हुए हैं उनसे आप इंटरव्यू करिए, मैंने इंटरव्यू किया, वो पूरी की पूरी पॉलिटिकल समझदारी वही बताएंगे जो लीडर वहाँ बैठे हैं। तमाम मीडिया के साथी बहुत कोशिश करते रहे कि वो कुछ बहका ले जाए, कुछ और पूछ लें। कई लोग, कई टीवी चैनल्स के ऐसे भी दोस्त हमारे वहाँ पहुँचे जो अपना माइक नहीं ले जा पाए, क्योंकि जैसे ही माइक देखते तो भड़क जाते, तो वो नई नई लड़कियों को, यंगस्टर्स, महिलाओं को उतारा गया रिपोर्टिंग के लिए। लेकिन मैंने देखा कि जो समझदारी, जो एक पॉलिटिकल नरेटिव बिल्डअप हुआ, इस तरह की जो लीडरशिप में बिल्डअप हुआ, जिसका एक नज़ीर हमने शाहीन बाग में दिल्ली में देखा था, जहाँ पे पॉलिटिसाइजेशन, आप इकॉनमी पे बात करिए, वहाँ पे बिजली बिल पे महिलाएं बात करती हैं, वहाँ पर खेती का कितना पैसा मिलता है, क्योंकि ये ऐसे ही नहीं है, ये कोई फोटोशॉप नहीं है, क्योंकि हमें बतौर मीडिया, हम प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं, बतौर मीडिया हमें फोटोशूट की बहुत आदत होती है। जैसे ही हम कैमरा लेके जाते हैं, आप बोलेंगे नारे लगाइए, आप बोलते हैं कि ये शॉट अच्छा रहेगा। इसको चैलेंज करते हुए महिलाएं जिस तरह से ट्रैक्टर पर आई हैं, यूथ जिस तरह से ट्रैक्टर पर आया है, जिस तरह से उसने दूसरे ढंग का एक नैरेटिव बिल्डअप किया है, मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, अभी मुझसे पहले उन्होंने बताया कि गांधी मूवमेंट को पूरा लेकर आए, इस मूवमेंट को अभी तक पॉलिटिकल क्लास ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने नाकाम, आप कहिए कि उदास किया है, उससे उसकी अपेक्षाओं पर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो विपक्ष है, वह पूरी तरह से विफल रहा है। एक बड़ा कॉल, पार्लियामेंट सत्र होने वाला है, मैं वहाँ तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जो वहाँ पहुँचे हुए, जो किसान नेता हैं, उन सबसे मैंने इंटरव्यू किया, सब ने एक स्वर में कहा कि पार्लियामेंट में क्यों नहीं चैलेंज करने के लिए विपक्ष उतारू है, क्यों नहीं वो एक अल्टरनेटिव ऑल पार्टी मीटिंग की कॉल दे रहा है, क्यों नहीं जो भी काल होता है। जिस समय मैंने सबसे पहले बात की दर्शन पाल जी से, उन्होंने यही कहा कि कोरोना पे काल आता है प्रधानमंत्री जी का, सारे लोग बात करने को तैयार हो जाते हैं, हम बात करने को तैयार हैं। हमारे समर्थन में अभी तक 26 नवंबर से वो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आज हम तारीख और दिन गिन सकते हैं। कितने बड़े पॉलिटिकल मूव हुए, क्या जो पार्लियामेंट का बजट सेशन होने जा रहा है उसमें जो विपक्ष जितना भी है, 10 है, 20 है, 50 है, ये एक जो चैलेंज है कि उस समय दूसरे ढंग की एक पॉलिटिकल लीडरशिप थी, लेकिन इस समय की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वह गुरिल्ला वॉरफेयर में तो आती है कि 4 दिन आ जाएगी, 2 दिन आ जाएगी, एक दिन जाके राष्ट्रपति को ज्ञापन दे दिया जाएगा, लेकिन 26 नवंबर से जो किसान बैठे हुए हैं उनके लिए पॉलिटिकल क्लास के पास अभी कोई डिज़ाइन नहीं है, कोई एसोसिएशन का डिज़ाइन नहीं है, और यह बहुत बड़ा चैलेंज आज की तारीख में है। मुझे लगता है जो 26 जनवरी के इर्द गिर्द माहौल बनाया जा रहा था, बनाया जा रहा है, शायद वो भी हम सबके लिए बहुत चैलेंज है। और आखिरी बात, अभी पूरी कोशिश है इस पूरे मूवमेंट को एक साजिश में तब्दील करने की। हम दिल्ली में बैठे हैं, हमने दिल्ली में देखा है, दिल्ली जिस तरह से झुलसाई गई थी और उसके बाद तमाम लोगों पर जिस तरह के केसेस बनाए गए थे, सारा का सारा एक साजिश में तब्दील कर दिया गया था। इसे लेकर बहुत गंभीर चिंता तमाम सेक्शंस में है, किसान नेताओं में बहुत चिंता है, जो वहाँ नौजवान है उसमें बहुत गुस्सा है। हम यहाँ से बात गांधी और अम्बेडकर की ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन यह लड़ाई आगे कैसे जाएगी, उसका जो पॉलिटिकल कंक्लूज़न है वह कैसे निकलेगा, क्योंकि लड़ाई तो निश्चित तौर पे लंबी चल रही है, लेकिन इसने जो वाइब्रेशंस पैदा किए हैं इंडियन डेमोक्रेसी को ज़िंदा रखने में, मुझे लगता है वो बहुत अहम है, और इसका स्त्री पक्ष भी बहुत अहम है। शुक्रिया।